पढ़ते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड गठन किए जाने पर सीएम का आभार कार्यक्रम। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के निवास पर जुटे राजपूत समाज के लोग और थोड़ी ही देर में सभी लोग पहुंचेंगे सीएम के आवास पर। हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि आज ये खास मौका पड़ा है, सभी धन्यवाद देने के लिए पहुंच रहे हैं, जुटने के लिए सभी की जो तैयारियां हैं, जो उत्साह है वो नजर आने लगा है, किस तरह की और जानकारी शिवेंद्र? बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र राठौर के निवास पर जो तमाम लोग हैं राजपूत समाज के वो पहुंच चुके हैं जी के निवास के लिए, जहां वो मुख्यमंत्री आभार जताएंगे। हमारे साथ राठौर साहब मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सारे लोग पहुंच रहे हैं, आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ कितनी देर में पहुंच रहे हैं? बहुत उत्साह है राजपूत समाज में। मुख्यमंत्री जी ने महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया है, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है और महाराणा प्रताप का नाम तो पूरी दुनिया में अमर है। महाराणा प्रताप ने जिस ढंग से मेवाड़ की आन बान और शान की रक्षा की और उन्होंने अंतिम सांस तक मेवाड़ राज्य की सेवा की, हिंदुस्तान की सेवा की, हिंदुजा सूरज कहते थे उनको, भारत का संविधान की जो भावनाएं हैं वो उनके जीवन में बहुत सी देखी जाती हैं। वो संविधान में थी कि हम एकता, अखंडता और भाईचारा, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली। महाराणा प्रताप के जीवन से हम उस चिरस्थाई बनाने के लिए हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने उनके सम्मान देने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया, महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया है। इसीलिए सारे राजपूत समाज के लोग राजस्थान के उनको धन्यवाद देने के लिए भी मुख्यमंत्री निवास जा रहे हैं। तो कितने लोग आए राठौर साहब, कहाँ कहाँ से आए हैं लोग और कितनी देर में पहुंचेंगे? अब आप संख्या महिलाओं की और पुरुषों की तो आप देखिए कि पूरे राजस्थान से हर विधानसभा क्षेत्र, हर जिला का रिप्रेजेंट हुआ है इसमें और बहुत शॉर्ट नोटिस। रात को 8 बजे मुख्यमंत्री निवास से समय फाइनल हुआ है, रात 8 बजे, 8 बजे फाइनल हुआ टाइम, हमने सूचना 8 बजे बाद दी सबको, इतने शॉर्ट नोटिस में और इतनी बड़ी संख्या में अगर समाज के लोग आए हैं तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के प्रति कितना उनका उनके प्रति कितना सम्मान है, उनके प्रति कितनी अच्छी भावनाएं हैं, ये आपको। और महिलाएं भी आप देखिए बिल्डिंग के अंदर बैठी हैं, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। तो और भी कोई नई मांग रखने वाले हैं आज मुख्यमंत्री जी के सामने, इतने लोग जुटे हैं आपके साथ? मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कह रखा है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो सभी समाज, सभी मतलब वर्ग के लोग बहुत उम्मीदें उनसे और उन्होंने राजस्थान को बहुत कुछ दिया है। जो भी आज हमारे समाज के लोग मांग कर, उस मांग को हम मुख्यमंत्री जी सामने पेश करेंगे। उम्मीद है जो बची मांगे भी हैं वो पूरी होंगी। तो देखिए धर्मेंद्र राठौड़ वो सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो उनके निवास पर पहुंचे हैं और उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल शिवेंद्र, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।